नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर फास्ट डिजिटल पर। चलिए नजर डालते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। शादी से पहले परिणीति पर चढ़ा राघव चड्ढा के इश्क का खुमार। दरअसल परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर है। कपल 24 सितंबर को उदयपुर में शाही अंदाज से शादी रचाने वाले हैं। इस बीच एक्ट्रेस को एयरपोर्ट पर सपोर्ट किया गया, जहां वह एक कैप में नजर आई। इस कैप पर उनके होने वाले पति राघव के नाम का पहला अक्षर आर भी लिखा हुआ था। ऐसे में उनकी इस कैप ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फैन को उनका यह कूल लुक काफी पसंद भी आया है और लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पठान का रिकॉर्ड तोड़ जवान ने की ताबड़तोड़ कमाई। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म जवान को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं। फिल्म ने पिछले वीकेंड ताबड़तोड़ कमाई की थी और एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया था। वहीं अपने दूसरे वीकेंड में एक बार फिर शाहरुख खान की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमबैक कर लिया है। दरअसल फिल्म ने 9वें दिन सिर्फ 18.1 करोड़ का कारोबार किया था, वहीं अब फिल्म के 10वें दिन 31.50 करोड़ का बिजनेस किया है और इसके लिए फिल्म का टोटल कलेक्शन 444.48 करोड़ हो गया है। सिंघम अगेन की शूटिंग हुई शुरू। रोहित शेट्टी की फिल्म में कई एक्टर निभाएंगे विलन का रोल। एक बार फिर डायरेक्टर रोहित शेट्टी सिंघम फ्रेंचाइज में अपनी अगली फिल्म सिंघम अगेन को लेकर आ रहे हैं। इसकी ऑफिशियल घोषणा कर दी गई है। सिंघम अगेन में अजय देवगन समेत कई सितारे नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी साझा की है। हाल ही में सेट पर पूजा करते हुए कुछ तस्वीरें अजय देवगन, रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इन तस्वीरों में रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी और अजय देवगन हाथ जोड़ते हुए पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तारीफों से खुश हुई कंगना, खुद को बताया बैटमैन। कंगना रनावत अपनी जानदार एक्टिंग के अलावा बेबाक बोल के लिए भी जानी जाती है। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा जब उन्होंने कुछ कहा हो और उसका विवाद ना खड़ा हो, लेकिन एक्ट्रेस हमेशा अपने दिल की बात कहने से चूकती भी नहीं है। हाल ही में उन्होंने खुद को बैटमैन बता दिया। कंगना का ये पोस्ट इंडस्ट्री के लोगों से मिली तारीफों के बाद आया है। कंगना ने लिखा, ये बात सब मानते हैं, लेफ्ट राइट दोनों विंग वाले। एक तो मैं बहुत बदतमीज हूँ, उर्ग और अतिवादी भी हूँ। मुझे वायलेंस पसंद है और हिंसा को भी मैं बहुत पसंद हूँ। थोड़ी बिगड़ी हुई और बहुत जिद्दी हूँ और भविष्य वाली टैलेंटेड, मतलब ग्रेट ऑफ ऑल टाइम टाइप्स वाली, इसको कहते हैं बैटमैन, वही मैं हूँ। अक्षय कुमार की नई फिल्म का पहला गाना हुआ रिलीज। अक्षय कुमार की नई फिल्म मिशन रानीगंज का पहला गाना जलसा 2.0 आ चुका है। पॉपुलर पंजाबी सिंगर सतेंद्र सत्ताज के गाए इस गाने पर भंगड़ा करते अक्षय कुमार की एनर्जी देखने लायक है। ये गाना देखकर या सुनकर कोई भी व्यक्ति अपने पैर थिरकाने पर मजबूर हो सकता है। ढोल की थाप पर अक्षय को डांस करते देखकर लगता है कि खुशी उसी फीलिंग को कहते हैं जो भंगड़ा करते अक्षय कुमार के चेहरे पर नजर आती है। गाने में भंगड़ा करते अक्षय ऐसे लग रहे हैं जैसे सोडा की बोतल पर ढक्कन खोल दिया गया हो। वो जब भंगड़ा करते हैं तो एनर्जी भरे डांस स्टेप तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही में मस्ती भरा कोई ऐसा मोमेंट भी आ जाता है जब अक्षय का कमाल देखकर आपको हंसी और मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।